हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हुई है लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि बहुत बुरा हाल है। गर्मी बहुत तेज़ हो रखी है। मैं आपको अपने पीछे दिखाती हूँ, आपको दिख रहा होगा बालकनी का गेट मेरा पीछे खुला हुआ है, उसमें से देखो पूरा सूर्य देवता की जो किरणें हैं ना, इतनी स्पीड से तेज़ आ रही हैं। बहुत गर्मी है अंदर की साइड, ज़रा सा कि अगर गेट खोल दो ना, पूरी गर्मी अंदर आ जाती है। बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत गर्मी हो रखी है। कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, घर से बाहर जाने का मन नहीं करता इतनी गर्मी में। देखो क्या क्या करना है, आज बहुत सारी प्लानिंग्स हैं जो करनी है, देखते हैं कैसे कैसे हो पाती हैं। तो जी 10 बज चुके हैं, मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, रोज ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। बहुत दिनों बाद में मुलाकात हो रही है, आई थिंक 2-3 दिन तो हो गए होंगे मुलाकात करे हुए। भूल जाते हैं ये? भूल जाता हूँ, भूल नहीं जाता एक्चुअली। गर्मी है तो इसलिए थोड़ा सा याददाश्त पे फर्क पड़ जाता है मेरे, पता नहीं क्यों। ओहो भाई, सब बताना सबके पड़ता है दिमाग पे असर गर्मी का। वैसे थोड़ा थोड़ा मुझे भी हो जाता है कुछ कुछ। चलो बाय। तो जी मैं नहाकर आ गई हूँ बाहर और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप मेरा फेस देख सकते हो। किचन में आते ही तो और ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट हो रही है बाहर। बहुत वॉशरूम में भी जाओ आप, नहाओगे नहा के बाहर निकलोगे तो इतनी ज़बरदस्त स्वेटिंग होती है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। आ गई हूँ किचन में। किचन में ना अब मुझे ब्रेकफास्ट करना है। मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए ना थोड़ा सा दूध में कॉर्नफ्लैक्स डाल लिया है, ये करा मेरा दूध में कॉर्नफ्लैक्स, ये खाती हूँ थोड़ा सा सा, और उसके बाद में मैं बनाती हूँ सांभर और इडली। मतलब बन चुका है मेरा नीरा सांभर मेरा, और ये इसका मसाला भी मेरा रेडी हो रहा है। मैंने आनियन प्याज और हरी मिर्च सब इसमें डाल दी है, ये पक रहा है मेरा पूरा। और इतने में ब्रेकफास्ट भी करती रहूँगी और अपना इडली सांभर भी तैयार कर दूँगी बच्चों के लिए, तो ऑलमोस्ट काम मेरा किचन का ख़त्म हो जाएगा अभी का। तो मतलब तो वैसे तो सारा दिन किचन का काम ख़त्म नहीं होता यार, लेकिन एटलीस्ट अभी का तो ख़त्म हो ही जाएगा। सांभर मेरा कंप्लीट हो चुका है, फ्राई भी कर दिया है, और यहाँ पे मेरी इडलियाँ बन रही हैं और इडली बना के बच्चों को दे देती हूँ मैं खाना। गर्मी बहुत है यार किचन में। मैं इतना थक गई थी कि लंच करने के बाद में मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ पड़ी हुई हूँ। मतलब मुझे इतनी तेज़ नींद आ गई, बहुत तेज़। अभी मैं सो के उठी हूँ, विनोद ऑफिस से आने वाले हैं तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, चाय बनाती हूँ। मम्मी अपना काम करने में लगी है, कपड़ों की चाय बनाना मेरा बहुत बड़ा काम। आलस भरा जो काम है ना उसे मम्मी कर देती है, सूखे कपड़ों की चाय बना के रख देती है। क्यों क्यों नहीं दिखाऊं, पता तो लगना चाहिए आप लोग क्या क्या करते रहते हो। ए टिंडू, इटी टिंडू बक करती हूँ। अभी मैंने थोड़ी सी मलाई खट्टी हो रही थी उसका बटर बना दिया है और घी बनने के लिए रख दिया। तो ये घी मैं एक्चुअली पूजा में यूज़ करती हूँ, पूजा का घी ख़त्म हो रहा था तो मैंने कहा चलो घी बना लेते हैं। इसको एक्चुअली तेज़ी तेज़ी से घुमाते रहते हैं ना तो घी बहुत तेज़ी से निकलता है, तेज़ गैस करके और तेज़ी तेज़ी से कढ़ाई में घुमाते रहते हैं तो बहुत तेज़ी से घी निकल आता है, ज़्यादा अच्छे से घी निकलता है। डैडा ऑफिस से आ चुके हैं कि डैडा अपनी एलियन लैंग्वेज बोल रहे हैं। हम लोगों की चल रही है क्या शूटिंग, फंदित परिवर्तन की शूट चल रही है। तो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं और क्या क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, कैसे चीटिंग कर करके गेम जीत सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें सबसे बड़ा हाथ इनका है, किनका? मम्मा का। इतनी मोटी दिखती हो, इतनी मोटी चीटर है। मैं कोई चीटिंग नहीं कर रही हूँ, तुम चीटिंग करते हो सब। और फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने से बताती हूँ, जैसे ही उसको टाइम मिला कि उसका शूट चांस खत्म हो गया तो वो भाई साहब यहाँ पे लेट चुके हैं और अपना फ्री फायर खेल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, एसएमएस कम को तुम उसके एसएमएस के डेढ़ा हमें ऐसे बोल के पूरे दिन बहुत हंसाते हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपको अपने शूट के बाद। फ्रेंड्स रात के हमने 3 बजे हुए हैं, मैं अभी जगी हुई हूँ और मेरे साथ में कोई और भी जगा हुआ है क्योंकि हम लोग कर रहे हैं जो दोनों चैनल हैं उनका जो शूट हुआ था उसकी एडिटिंग, डेली का काम है हमारा। और मम्मा कर रही है, मैं तो ऐसे ही जगी, मैं नींद ही नहीं आ रही यार, क्या करूँ, तो फोन देख रही हूँ।
तो ये ना पूरा पूरा फ़ायदा उठा रही है इस बात का कि मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है। और पता है क्या किया, 2 बजे अभी रात को इसने मैगी बनाई है, मैगी बना के इसने मुझे खिलाई है और खुद ने भी खाई है, तो हमारी पेट की भूख भी मिट चुकी है। और अभी भी आपको लग रहा होगा हमें कोई नींद भी नहीं आ रही है। मैं तो अभी कपड़े भी चेंज करके नहीं आई हूँ, नाइट वेयर भी मैं भी नहीं आई हूँ, अब जा रही हूँ, नाइट वेयर में आती हूँ। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा काम और है, आई थिंक 4 बज जाएंगे मुझे सोने में, तो अपने ब्लॉग को तो मैं यहीं बंद कर देती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से सुबह एक नए ब्लॉग के साथ में। सो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।